भिक्षाम देही। जाओ बाबा आगे बढ़ो, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो मुझे चाहिए वो बस तुम ही दे सकते हो। अच्छा क्या दे सकता हूँ मैं? जिस काम के लिए शिरडी में रुके हो वो काम मत करो। किस काम के लिए रुका हूँ मैं? भटक गए हो। एक वृद्ध स्त्री को तकलीफ पहुंचाना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मुझे भी खेलना है। हाँ चलो खेलो। अज्जी के हाथ पे ये दाग क्या है? ए फकीर, छुपकर तुमने मेरी बातें सुनी होगी है ना? तू कौन होता मुझे रोकने वाला? मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, दाग वाली बीमारी गांव में फैलने से रोक रहा हूँ। और जो दाग तुम्हारी सोच पे लगा है उसका क्या? तुम्हारा दाग समाज के लिए कई ज्यादा घातक है, कई ज्यादा नुकसानदायक है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मानसिकता में दया नहीं है, करुणा नहीं, केवल बदले की भावना है। जो अपनी मातुल्य स्त्री को घर से बेघर कराने की जिद पे अड़ चुकी है। जिस समाज में वृद्धों के प्रति सम्मान, उनके प्रति संवेदना समाप्त होने लगे, समझ लो वो समाज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है। ए, चल चल, ये उपदेश किसी और को देना। ए, हमारे साई के बारे में ऐसे बात करेगा तो क्या कर लेगा बताऊ तुझे? केशव। लेकिन साई ये तो केशव, हिंसा हमारा मार्ग नहीं है। क्षमा कीजिएगा साई। राम जी पे जो आश्रित हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाओगे तो राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। राम जी भला करें। फकीर, अब तो सरस्वती काकी को उसके राम जी भी नहीं बचा सकते हैं। अज्जी। हे राम जी, चूल्हे पे दूध रख के भूल गई। बेला तुम खेलो, मैं अभी आई। बेला, बेटा दरवाजा खोलो। घर में कोई बड़ा है? सखाराम। मेरी अज्जी है, क्या काम है आपको? तुम्हारे अज्जी का नाम क्या है? अज्जी का नाम अज्जी का नाम अज्जी है। अच्छा,
और तुम्हारे आई बाबा? वो बाजार गए मसाले बेचने। अच्छा, मैं शायद गलत घर में आ गया। नारायणी को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकती। आप भी मेरे सबसे अच्छी दोस्त हैं अज्जी। जितना मुझे आपने समझा उतना किसी ने नहीं समझा, किसी ने इतना खेलने नहीं दिया मुझे। मुझे भी आपसे दूर नहीं जाना। राम जी, आपने मुझे फिर से आशा की नई किरण दे दी है। अजी, आपके हाथ पर वो दाग कैसा है? सागर गोटी खेलते हुए देखा था। कैसे हुआ ये? बोलिए ना जी, कैसे हुआ ये? इस बच्ची से झूठ कैसे बोलूं? ये एक बीमारी है। बीमारी? तो आप इसकी दवा क्यों नहीं करवा लेती हैं? क्योंकि इसकी दवा मेरे पास नहीं है। ठीक नहीं होंगी? क्यों नहीं ठीक होंगी? हर मर्ज की दवा है मेरे राम जी के पास। जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेके आए थे, मेरे राम जी भी मेरे लिए संजीवनी लेके आएंगे। फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। संजीवनी बूटी? हाँ। ये कहाँ मिलती है? मैं बाबा को बोलूंगी, वो ले आएंगे। नहीं, बाबा से कुछ मत कहना। बाबा से कुछ मत कहना। एक बार इस दाग की वजह से मैंने अपना परिवार खोया है। मैं दोबारा इस परिवार को खोना नहीं चाहती। ठीक है, नहीं बताऊंगी। सखाराम, सारे घर देख लिए, सरस्वती काकी कहीं नहीं मिली। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है मंदार। चलो बाजार चलते हैं। बाजार किस लिए? चलो तो बताता हूँ, आओ चलो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शीरा तैयार है,
जरा चख के देखो और बताओ कैसे बना है। चखने की क्या जरूरत है भाईसामा, मुझे पता है अच्छा ही होगा। इसमें माँ की ममता जो मिली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुंचकर, और मुझे इस बात की खुशी है कि साई बाबा के बुलाए पर आपने विश्वास किया। विश्वास पर नहीं आया हूँ, ऐसे लोग और ऐसी बातों पर विश्वास करना मेरे ज्ञान, मेरी सोच, मेरे विवेक का अपमान है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये साई है कौन और क्यों मुझसे मिलना चाहता है। चलो साईं। राम जी भला करे। अरे वाह, आप तोरण लगा रहे, तो मतलब आज कोई खास बात है। बहुत खास, कोई बहुत खास आ रहा है। साईं, हम ये तोरण क्यों लगाते हैं? ताकि फूल पत्तियों की सजावट देखकर आने वाले लोगों के मन में खुशी उत्पन्न हो और वो सकारात्मक विचारों के साथ खुले मन और हृदय से प्रवेश करें, और जो आ रहा है उसे तो इन सब की बहुत जरूरत है। आओ, किसी से पूछ तो लीजिए कि साईं बाबा कहाँ मिलेंगे। क्यों, यहाँ के लोग तो उन्हें भगवान मानते हैं, कोई मंदिर बनवाया होगा उन्होंने कहीं, देखते हैं। Thank you.
क्या हुआ? सरदर्द हो रहा है? परेशान भी लग रही हो, शायद चिंता करने की वजह से हो रहा है। बिक्री नहीं हुई आज भी? यहाँ मसालों की ज्यादा मांग ही नहीं है, बिक्री हो नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। राम जी मेहनत करने वालों के साथ होते हैं, सब अच्छा होगा। क्या आपके यहाँ गेहूं के आटे का शीरा बना है? हाँ, आओ चख लो। नहीं, हमें कहीं जाना है। कहीं पहुंचना तो नियति है तुम्हारी, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होगी। मुंह मीठा कर लो, तुम्हारे लिए खास बनवाया है नाना। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने ही बुलाया, और मैं ही ना जाऊं? कौन है आप? साईं। साई, तो आपने ही बुलावा भेजा था। आपको कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? और आज ही? अब भी प्रश्न है तुम्हारे मन में, लेकिन कुछ उत्तर तर्क और विवेक से परे मिलते हैं, अनुभूतियों में, आभास में। ऐसे अनुभूतियों और आभासों को तर्कहीन समझना भी तो विवेक और ज्ञान का अपमान है नाना। आप मुझे कैसे जानते? क्या चाहिए आपको मुझसे? क्यों बुला रहे थे आप मुझे यहां? वचन पूरा करने, जो मैंने तुम्हें दिया था। वचन? हाँ, हर जन्म में तुमसे मिलने का वचन। पर मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मैंने कोई वचन लिया हो। यही तो याद दिलाना है तुम्हें। चार जन्मों का रिश्ता है हमारा, मुझे पहेलियों में बात करना पसंद नहीं है। पहेली सुलझाने का समय आ गया है, विश्वास करो। विश्वास? मैं विश्वास करूं? मैं आपसे अभी मिला हूं, और आप मिलते ही मुझे पिछले जन्मों का हवाला दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं? गेहूं खत्म हो गया था, इसलिए गेहूं का शीरा नहीं बन पाया तुम्हारे घर में। आज बहुत सारा शीरा बनाया है तुम्हारे लिए, मन भर के खाओ। आओ तुम दोनों। आपको कैसे पता कि हमारे घर में गेहूं के आटे का शीरा? वासाओं से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। सिर्फ शरीर बदला है नाना, ये सत्य तुम जानते हो, फिर भी भूल गए। इनमें जरूर कोई शक्ति है, तभी तो इन्हें हर बात का पूर्वाभास हो गया। पर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि मुझे मेरे सपनों में आने वाले फकीर के दर्शन होंगे, लेकिन ये तो वो नहीं है। ठीक हो जाएगा, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? तकलीफ किस बात की? माँ कहती हूँ ना मुझे, बच्चे बड़ों की सेवा करे तो अच्छा लगता है। अपनों में छोटा बड़ा नहीं होता। अपने आई बाबा की सेवा करके पुनली को भगवान मिल सकते हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल रखकर आई बाबा को भी तो स्वर्ग मिलता है ना। पुंडलिक कौन है? बहुत समय पहले पुंडलिक नाम का एक लड़का था, वो बहुत बुरा था। वो अपने माता पिता की बहुत अवहेलना करता था, अपने माता पिता से बहुत बुरा बर्ताव करता था। एक दिन वो कुकुट स्वामी नाम के साधु से मिला, जिन्होंने उसे उसकी गलती का एहसास करवाया। उसके बाद वो इस कदर अपने माता पिता की सेवा करने लगा कि जब खुद कृष्ण भगवान उससे मिलने आए तो वो सीधे उनसे मिलने नहीं गया, बल्कि पुंडलिक ने कृष्ण भगवान की ओर एक ईंट फेंकी और बोला, प्रभु मेरे आई बाबा की सेवा होने के बाद ही मैं आपके दर्शन करूँगा, तब तक कृपा करके आप इस ईंट पर खड़े रहिएगा। अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव और प्रेम देखकर भगवान कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उस ईंट पर खड़े हो गए। उस स्थान का नाम है पंढरपुर। आज भी उस ईंट के स्थान पर विठोबा के रूप में कृष्ण भगवान की पूजा होती है। मान्यता है कि आज भी वो उस जगह विठोबा के नाम से विराजमान है। बहुत बड़े व्यापारी है जो हमारे मसाले खरीदना चाहते हैं थोक में, पर मेरे पास उतनी मात्रा में मसाले थे नहीं। फिर? तो वो कल आएंगे मसाले खरीदने। क्या हुआ? सर की मालिश करा रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? सर में थोड़ा दर्द है। थोड़ा आराम कर लो, ठीक लगेगा। हाँ तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं काढ़ा लेके आती हूँ। ठीक है। अज्जी हमारा कितना ध्यान रखती है, मैं भी अज्जी का ख्याल रखूंगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
तो बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल मेरी आई के हाथ के स्वाद जैसा। मेरी बाईजा माँ ने जो बनाया है अगर मेरे सपनों में आने वाले फकीर ये नहीं है तो क्या मेरे सपनों का कोई मतलब नहीं है? माई, बड़ी प्यास लगी है, क्या आप मुझे उस मटके से थोड़ा सा पानी ला कर देंगी? अभी देती हूँ साईं। रुको परी, माई को लाने दो। ये मुझसे पानी क्यों मंगवा रहे हैं? तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। इतने दिनों से मैं भिक्षा मांग रहा हूं माई। माफ कर दीजिए साईं, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे सपने निरर्थक नहीं थे। लेकिन साईं, आप हमेशा भिक्षा लिए बिना ही क्यों चले जाते थे? क्योंकि मुझे भिक्षा में अनाज नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वो आज तुम ले आई हो। ये क्या हो रहा है? इसका क्या तर्क है? ये सब कैसे संभव है?